मैं सारियां नूं कहानी सुनाउण जा रही हां जिसका नाम है एकता विच बल है। एक पिंड विच एक सियाणा किसान रहिंदा सी। उसदे चार पुत्तर सन। उह चारे आपस विच लड़दे झगड़दे रहिंदे सन। किसान अपने पुत्तरां नूं लड़दियां वेख के बहुत परेशान रहिंदा सी। हुण उह बुढ़ा हो गया सी। उसने सोचिया कि उसकी मौत उपरंत तां उसके झगड़ालू पुत्तर आपस विच लड़ झगड़ के छेती ही तबाह हो जाएंगे। वो अपने पुत्रां नूं आपस विच मिल के काम करन दी सिक्ख्या देनी चाहुंदा सी। एक सोची समझी व्योंत अनुसार बुढ़ा किसान बीमारी दे बहाने मंजा मल के पै गया। हुण उसके पुत्रां नूं भी फिक्र होया। उस सारे वारी वारी पिता जी का हाल पुछण लई उस कोल आउण लगे। एक दिन किसान ने अपने चौहां पुत्रां नूं अपने कोल बुलाया। जदों चारे पुत्तर इकट्ठे हो गए तां बुढ़े किसान ने कुछ लकड़ियां मंगाईआं। जदों लकड़ियां आ गईआं तां किसान ने उन्हां नूं बन्नण लई कहा। हुण बुढ़े किसान ने अपने इकले इकले पुत्तर नूं लकड़ियां दा गठ्ठा तोड़न लई कहा। सारियां ने वारी वारी जोर लाया पर उह गठ्ठा ना तोड़ सके। फिर बुढ़े किसान ने कहा, इस गठ्ठे नूं खोल दिओ अते एक एक लकड़ी वक्खरी वक्खरी कर दिओ। जदों लकड़ियां वक्खरियां वक्खरियां हो गईआं तां किसान ने अपने अपने पुत्तरां नूं एक एक लकड़ तोड़न लई कहा। सारियां ने झट ही एक एक लकड़ आसानी नाल तोड़ सकी। हुण किसान ने अपने पुत्तरां नूं समझाउंदिआं कहा कि जे तुसीं इन्हां लकड़ियां वांग लड़ झगड़ के इकले इकले रहोगे तां कोई भी तुहानूं नुकसान पहुँचा सकदा है, पर जे तुसीं सारे लकड़ दे गठ्ठे वांग इकट्ठे रहोगे तां कोई तुहाडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। पुत्तरां नूं हुण सारी गल समझ आ गई सी। उन्हां ने अगे तों आपस विच ना लड़न दा प्रण कीता अते अपने पिता नूं मिलजुल के रहन दा वचन दिता। हुण किसान अते उसदे पुत्तर खुशी खुशी रहन लगे। सिख्या एकता विच बल है।